आपको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। करने आए हो? मॉडलिंग। कब से कर रहे हैं आप? मॉडलिंग हो गया। किसने बताया यहाँ शो होने वाला है? ये क्या करने आए हो? ये हो जाए, ताली हो जाए। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? लग रहे हो आप एम के भाई। कैसे करोगे डांस? कैसे आप कैसे करोगे? अच्छा थोड़ा तेज बोलो। बड़े यहाँ पे बहुत से लोग हैं। किसी को करनी मॉडलिंग, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग है। ये एक मंच है जहाँ पे हमको करनी रूटिंग है। Off the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Yes, hot booty, come on, baby, do your duty work. Kis moh ka hai ye Jalva? Kis moh ka hai ye Jalva? Shohrat bhi de ye Jalva? Maksad bhi de ye Jalva? Tell him like it is. I can't hear. गश लगे ये जलवा, मैं गश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. बच्चा क्या हुआ आपका? बोलो। क्या किया था आपने? मॉडलिंग एंड डांस दोनों करते हैं आप। वाह, व्हाट यू सेड है। Tell me, 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 tell
ये जलवा इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया हो ये जलवा आसमां भी दिखलाया जमीन पे भी ले आया गाना इसने करवाया हो ये जलवा हाय ये जलवा आग सी हाय सर हाय कहाँ से आए आप सर मैं सैफई से आया हूँ सैफई से वैसे क्या करते हैं आप मैं स्टडी करता हूँ स्टडी यहाँ क्या करने आए थे मैं यहाँ मॉडलिंग के लिए आया था मॉडलिंग के लिए क्या आपको लगता है मॉडलिंग में करियर सेट हो सकता है हाँ सर मुझे लगता है कि मैं बस जीतना चाहता हूँ मैं मॉडलिंग में जाऊँ और इस चीज़ को जीत के आऊँ कौन आपको सपोर्ट करता है फैमिली से फैमिली से सर हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है हमें कि जाओ कुछ करके आओ तो इस वजह से मैं गया और कुछ माँ अपने माँ बाप के पास कुछ बन के जाऊंगा आप कितने टाइम से ये कर रहे हैं अभी तो 2 महीने हुए हैं 2 महीने किसी ने आपको बताया था यहाँ ऑडिशन होने वाला है या कुछ या कैसे पता चला जैसे आप आए हैं आप बताएंगे हमारे लोग सर ये हमारे यहाँ राहुल मिश्रा सर हैं उन्होंने उनकी जानकारी से मैं यहाँ आया हूँ इसलिए तो मुझे जानकारी हुई तो मैं आया मैंने इस चीज़ को किया और मैं आगे गया वैसे क्या हुआ फिर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ सर सिलेक्शन तो हो गया मैं बहुत खुश भी हूँ घर जाके बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया मेरे घर वाले भी बहुत खुश होंगे फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए या फिर सेकंड राउंड के लिए अभी तो सेकंड के लिए लेकिन फाइनल में भी मैं हो जाऊँगा मुझे तो सर विश्वास है सर आपका ये शो में जिसमें आप आए हैं इसके डायरेक्टर कौन है इसके डायरेक्टर तो राहुल जैकर सर हैं राहुल जैकर जी आर जी भाई या और इसके सेलिब्रिटी जो हैं वो है राहुल मिश्रा सर मतलब सेलिब्रिटी सर ऑर्गेनाइजर या हाँ सुना है राहुल मिश्रा सर ऐसा फिल्म प्रोडक्शन साइड या हाँ धूम मचा रही है ऐसा फिल्म प्रोडक्शन ठीक है सर थैंक यू बोलना चाहूँगा आपसे शुक्रिया सर सर ये तो बस आप सबका प्यार है और हमारे घर वालों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपना करते रहें मचाते रहें एक नंबर इटावा का और सैफई के नाम रोशन कीजिए हम तो सैफई के नवाज सैफई इटावा यहाँ तो बस अपना नाम उठाना चाहता हूँ अपने माँ बाप का जो उन्हें गर्व हो कि हमारा बेटा हाँ कुछ है जो कुछ कह सके वो कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है बस एक प्यार यही तो है वेरी गुड जैसे आपको बचपन से आपको लगता था आप इसी लाइन में जाएंगे कुछ और बचपन से तो यही सोचा था किसी को दूसरे से जब देखता था तो खुद मोटिवेट हो जाता था कि कुछ करना है आगे बढ़ना है बस एक यही सपना था जो आज मैं आया और इस चीज़ से सिलेक्ट हुआ मुझे बहुत खुशी है और सब लोगों को बताऊंगा वो भी खुश होंगे वेरी गुड तो दूसरा कीजिए ऐसा फिल्म प्रोडक्शन एंड दीक्षित मूवीज ऐसा फिल्म एंड दीक्षित मूवीज ऐसा कर दीजिए ऐसा फिल्म एंड दीक्षित मूवीज फुल मचाएंगे करके मेरे साथ में ऐसा फिल्म दीक्षित मूवीज फुल मचाएंगे थैंक यू विकास यही इवेंट में जजिंग के लिए किसने ऑफर किया कैसा क्या है ना उसमें कौन कौन है हाय फ्रेंड्स आज का हमारा इवेंट आरजे इवेंट एंड एसआर फिल्म के बैनर तले हो रहा था जिसमें सिविलियंस स्कूल में इसका आज ऑडिशन था तो काफ़ी अच्छे लोगों ने करीब 50 से 60 बच्चों ने ऑडिशन दिया सिलेक्ट भी हुए कुछ अनसेलेक्ट भी हुए काफ़ी टैलेंट भी है इटावा में अच्छा लगा आज का प्रोग्राम हमारे कुछ जजेज हैं कृतिका जी रिया मैम ऋषभ एंड जी मेरे को जानते ही होंगे आप मेरा प्रोड्यूसर है राहुल मिश्रा मेरी और टीम है सबको ही आप जानते हैं मेरी टीम में नई आई हुई है कृतिका जी आज जज थे ये और इसका इसके सेकंड लास्ट में जो सेकंड फाइनल में गए हुए हैं बंदे वो सारे प्रोग्राम कहाँ होगा राहुल भाई लखनऊ में और फाइनल का देखो बताते हैं आप लोगों को पता रहता है और इसके फाइनल में जो हमारी जज होंगी वो सपना चौधरी मैम है बाकी अब आपको ऋषभ भाई बताएंगे विकास विकास सॉरी
बताओ। थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स करना चाहूँगी एसआर फिल्म प्रोडक्शन एंड दीक्षित मूवी और आरजे इवेंट को, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और मुझे जज बनाया। मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट भी किया है और बहुत सारे बच्चों को अनसेलेक्ट भी किया है, जिनमें काफ़ी टैलेंट है पर कुछ कमियों की वजह से वो रह गए पीछे। अब वो चिंता मत करें, आगे और भी प्रोग्राम होंगे और बेटर कर सकते हैं वो, और उनका आगे जाना पड़ेगा उन्हें भी। थैंक यू। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे, बहुत देखे यहाँ पर करने आए, लेकिन काफ़ी लोगों का अच्छा था, ज़्यादातर अच्छा ही था, बट कुछ कमियाँ रह गई थी जिससे वो रह गए। उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े स्टेप थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जिनको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने में काबिलियत होती है, सबके अंदर होती है, वो आगे बढ़े और बस फिर और ऑडिशन होंगे उसमें सेलेक्ट हुए। मैं सबसे पहले तो आरजी इवेंट और एसआर फिल्म को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा शुभ अवसर दिया कि मैं इस पद तक, इस मतलब इस जगह तक पहुँचा हूँ। मैंने यहाँ बहुत सा अनुभव किया है, जो कि मैं और जीतू सर दोनों लोग रिसेप्शन थे, और रिसेप्शन पे मैंने फॉर्म का और जो कुछ होता है एक्स वाई जेड वो सब हम लोगों ने संभाला है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम ये प्रोग्राम कराते रहेंगे। आरजी इवेंट्स एंड ऐसा दीक्षित फिल्म मूवीज की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया, और आपने देखा सारे बच्चे आए हैं, काफ़ी दूर दराज से आए हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने अपना परफॉर्म किया और इतने स्टेट अच्छे लेवल तक पहुँचे। राहुल मिश्रा सर और सारी टीम ने इतना सपोर्ट किया है, मिलकर काम करते हैं। और जो ये जो इवेंट है ये राहुल जैकर जी हैं, जो रहने वाले तो इटावे के, बट वो अभी लखनऊ रहते हैं, तो वो आज यहाँ नहीं है, बट हम उन लोगों को भी उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। स्माइली, और काफ़ी अच्छा लगा आज ऑडिशन के टाइम। मैंने मेरे से मिमिक्री बिहार एंकरिंग कर रहा था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़े लिए, पाड़ रही हैं टापा में भाई, रोम नाम रोशन कर रही हैं, ये बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही मचा दे रही है आरजी बैंड, दीक्षित मूवीज एंड ऐसा फिल्म प्रोडक्शन, और फाइनल अपना आने वाला है लखनऊ में 19 स्माइली। और आज हमारे टावा ऑडिशन था आरजी बैंड, दीक्षित मूवीज एंड ऐसा फिल्म प्रोडक्शन, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आर्टिस्ट आए, काफ़ी टैलेंट देखा अपने टावा में, एंकरिंग कर रहा था मैं और काफ़ी मज़े आए। सर बोलना चाहिए। Hi guys, I'm अश्मित सिंह, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, और यहाँ ऑडिशन था तो मज़ा बहुत आया। और थैंक्स बोलना चाहेंगे आरजी इवेंट, दीक्षित मूवीज एंड एसआर फिल्म प्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम सुमित कश्यप है। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे राहुल जैस मिश्रा सर ने मुझे बुलाया था यहाँ पे देखने के लिए, संभाला मैं हर चीज़ देखा मैं अंदर, सॉन्ग इतना भी सॉन्ग का काम होता है, बच्चों को सॉन्ग लगाना उठाना वो मैंने सारा काम किया है, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो ऑडिशन हुआ है हमारे 7th स्कूल में, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन ये देना चाहती हूँ कि जो राहुल जयेश मिश्रा हैं उन्होंने इस ऑडिशन को फुली सक्सेसफुल किया है हमारे स्कूल के अंदर। मैं चाहती हूँ ऐसे ऑडिशन हमारे स्कूल में आगे और भी ऑर्गेनाइज हों, और थैंक्स फॉर आरजे इवेंट एंड एसआर फिल्म प्रोडक्शन, एंड थैंक्स for all our team and best of luck to my school. Guys, my name is Rahul Mishra, producer SR Film and Dixon Movies, और हमारे जो मित्र हैं राहुल जैकर, जो कि हम उनके सपोर्ट से एक इवेंट कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस 2020, जिसका सेलिब्रिटी गेस्ट जो है हमारी सपना चौधरी, तुषार सेट्टी, सिजा रॉय, ये हमारी सेलिब्रिटी जज है जो कि लखनऊ में होंगी। प्लस इसके दो ग्रैंड फिनाले हैं, एक आपका इटावा में, एक आपका लखनऊ में। ये ऑडिशन इटावा ऑर्गेनाइज जो हमने किया है वो 7 हिल्स स्कूल में किया, और हमारे यहाँ जो भी बच्चे आए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट, जो नहीं सिलेक्ट हुए मैं उनसे कहूँगा आप सीजन 3 में ट्राई करिए, हो सकता है आपको इससे बड़े सेलिब्रिटी वहाँ मिले। और भी हमारी टीम एसआर फिल्म प्रोडक्शन, आरजे इवेंट, मैं ऑल टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आकर हमारी पूरी व्यवस्थाओं को देखा है, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहूँगा संजय सर को जिन्होंने यहाँ का प्रोडक्शन का पूरा काम देखा है, और उप्र उनको संजू भैया भी कहते हैं। थैंक यू। जो भी हमारे ऑडिशन में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, जो कि लखनऊ के ग्रैंड फिनाले में, इटावा ग्रैंड फिनाले में, और हमारी जो भी हम वर्क कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोज़, बॉलीवुड मूवी,
उनमें भी हम उनको अच्छा सा वर्क देंगे और वो हमारे YouTube चैनल SR फिल्म एंड दीक्षित मूवीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें और भी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आज ये इवेंट SR फिल्म प्रोडक्शन आपके लिए आगे भी नए नए इवेंट लाता रहेगा और बच्चों को उनकी कामयाबी तक पहुंचाता रहेगा। हमारा सपना यही है, जितने भी डांसर्स, जितने भी सिंगर, जितने भी मॉडल है, सबके चेहरों पे खुशी देखना। थैंक यू।